खबर आजमगढ़ जनपद से है, जहां रौनापाड़ा थाना क्षेत्र के बघावत गांव के दलित बस्ती के पास बिजली के खंभे में लटका मिला युवक का शव। रौनापाड़ा आजमगढ़ थाना क्षेत्र के बघावत गांव के दलित बस्ती के पास बिजली के खंभे में युवक का शव लटकता मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिलरियागंज थाना क्षेत्र के मोहलिया गाँव निवासी अभिषेक पुत्र जगधारी 21 वर्ष अपने ननिहाल भोलाराम के यहाँ रात में आया था। सुबह गाँव के सिवान में बिजली के खंभे पर लटकता उसका शव मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा स्थानीय थाने रौनापाड़ को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे मृतक का भाई प्रशांत का आरोप लगा रहा है। आशंका है कि आसनाई के चक्कर में हत्या कर बिजली के पोल से टांग दिया गया है। मृतक इंटरमीडिएट पास कर घर पर ही रहता था। तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर था मृतक। गाँव की ही एक लड़की चांदनी से प्यार करता था। मृतक का भाई प्रशांत ने बताया कि अक्सर फोन पर बात करता था, मना भी किया गया। लड़की सबके पास लिपट कर रो रही थी, कह रही है कि शादी से हमने मना कर दिया था, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। थाना अध्यक्ष रौनापाड़ कौशल कुमार पाठक ने बताया कि शव को थाने में लाया गया है, तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर मौत के कारणों की जांच की जा रही है। मौके पर परिजनों के साथ पहुंची मृतक की मां निर्मला देवी का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? कौन सा गाँव है? कौन सा थाना पड़ता है? क्या घटना घटी है रौनापाड़ा थाना क्षेत्र में? हमारा लड़का साहब आई रात में बोलो ना, हमारे लड़का साहब मरवा दे। कहाँ आया था आपका लड़का, किस गांव में? बघावर जी। बघावर में आया था। हाँ। कैसे सूचना मिली आप लोगों को? बच्चा क्या घर से कह के निकला? हम लोग का घर से यहाँ से फोन गया ना, मम्मी फोन करनी तब यहाँ से गई है। जननी है। रात में बच्चा क्या करके घर से निकला? घर से ही कहना कि मम्मी हमके काम के जाए, हमके पैसा दा। हमने कहनी नहीं बेटा पैसा ना दा, तुम मत जा। कहते नहीं हमके बोलावत हम जाए। फिर ना माना लापन से कि ले लो चलिया। कौन बुला रहा था? यही लड़की है बोलेगी। लड़की बोला। हाँ। लड़की क्या नाम है? लड़की का नाम है जानत ना। क्या चाहती है? हम लोग चाहते हैं साहब ये भी मरे साथ में, नहीं तो सजा भी हो। नाम है बाबू? मेरा प्रशांत कुमार। पिताजी का? जगधारी गांव। कौन सा गांव है? मेरा ग्राम मोहलिया है, थाना बिलरियागंज। जिला? आजमगढ़। आज आप रौनापाड़ा थाना क्षेत्र के बघावर गांव में आए हैं, एक खंभे से लटकी गांव से दोनों गांव के बीच में एक शव मिला है। आपने कहा कि मेरा भाई है, क्या मामला है पूरा? ये एक लड़की थी, उसी से बात करता था और उसके घर वाले इसको मार के फेंक दिए हैं। कहाँ की लड़की थी? यही गांव की, बघावर की थी। पिताजी का उसके जयराम नाम है। तो बिलरियागंज से बघावर क्या करने आया था? वो रात में आया था, कह रहा था कि जा रहे नाच देखने कहीं। फिर वहाँ से निकला, हम कहें कि तुम रात की क्या जाने की जरूरत है। तो कहा हम आ जाएंगे। उसके बाद फिर सुबह में यहाँ से नानी के यहाँ से फोन गया कि ऐसी ऐसी बात है। ये आपके नानी घर यहाँ पर है? किन के घर आपका नानी घर है? मेरे मामा का नाम सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र के घर है। तो आप लोगों को कौन सूचना दिया? वही मामी फोन की थी। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि इसकी सही से जांच हो और उन लोगों को बख्शा जाए।